जातिवाद की जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी राजधानी पटना में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करना चाहा। अपनी ताकत जो है आरएलजेडी की जो ताकत है वो दिखाना चाहा बिहार की सरकार को, यानी नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और लालू यादव को। और इस ताकत दिखाने के बहाने वो भाजपा को भी समझाना चाहते थे कि देख लीजिए हमारे पास ये हजूम है। लेकिन चंद मुट्ठी भर, मुश्किल से करीब 10,000 लोग होंगे गांधी मैदान में, और सरकार की खुफिया ने सरकार को बता दिया था कि 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। सरकार ने भी पूरा इंतजाम कर लिया था, तस्वीरें आप देख रहे हैं, डाक बंगले चौराहे से आगे नहीं जाने दिया गया। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो हैं आज गांधी मैदान से लेकर राज्यपाल के निवास तक राज्यपाल को ज्ञापन देने वाले थे। जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें धांधली की शिकायत करने वाले थे कि हमारी जाति यानी कि कुशवाहा बिरादरी जो है उसकी जनसंख्या जो है उसके आंकड़े कम दर्शाए गए हैं, और तमाम जो बिरादरी हैं बिहार में, चाहे वो भूनिहार हों, ब्राह्मण हों, राजपूत हों, और भी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की तमाम जो बिरादरी है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ यादव का कैसे बढ़ गया, हमारा कैसे घट गया। और उसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा आज राज्यपाल के घर तक मार्च करने वाले थे, लेकिन सरकार ने भी बड़ी सही इंतजाम किया था। डाक बंगले चौराहे से तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डाक बंगले पर ही रोक दिया गया। लालू यादव मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के देखिए नारे लग रहे हैं, लालू यादव मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, और आपको याद ही होगा कि इसके पहले भी जो है भाजपा ने करीब लाखों कार्यकर्ता उसके जुटे थे, तो भी सरकार ने उस रैली को एक तरह से कहिए कि मसल दिया था डाक बंगले के चौराहे पर ही। और आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो मुट्ठी भर लोग थे, जो उनके खुद ही प्रभारी ने कहा कि 15,000 से 20,000 ही हम जुट पाए हैं। 15,000 से 20,000 लोगों को लेकर वो सरकार को एक तरह से ताकत दिखा रहे थे, भाजपा को समझाना चाह रहे थे कि बस हमें भी जल्द से जल्द दे दीजिए टिकट कि हम भी लोकसभा की तैयारी करें। लेकिन आज की रैली से ये समझ में निश्चित तौर पे आ गया कि कुशवाहा समाज कितना बड़ा है और उसका आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है, ये सरकार भी समझ गई और भाजपा भी समझ गई। लेकिन डाक बंगला चौराहे पे अपनी राजनीतिक भाषा निश्चित तौर पर बोल के गए उपेंद्र कुशवाहा, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हम लोग को आम जनता की आवाज पहुंचाना चाहते हैं, जनता की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। सरकार के इस रवैया का हम लोग सख्त विरोध करते हैं, प्रदेश और सरकार से हम कहना चाहते हैं, आप चाहे जो रवैया अपना लीजिए, आगे आने वाले दिनों में लाठी भी खाना पड़े, जेल भी जाना पड़े, हम जेल भी जाएंगे। जितेंद्र जी को उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, शांत रहिए भाई। तो आपने सुना, ये थे उपेंद्र कुशवाहा, शक्ति प्रदर्शन करने अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकले थे। लेकिन वो तो है नीतीश कुमार, हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बस डाक बंगले तक ही जाने देते हैं कि गांधी मैदान से निकलिए, डाक बंगला तक पहुंचिए और फिर वहां से वापस लौट जाइए। हुआ ये भी, अब देखना ये है कि इस रैली का क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले दिनों में राजनीतिक स्तर पर, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।